किस तरह का ये कैंप लगाया गया है, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें देश भर के पूरे श्रमिकों का एक डाटा इकट्ठा हो रहा है और उस डाटा के आधार पर ही श्रमिकों को लाभ दिया जाना है। तो ई श्रम कैंप के माध्यम से जितने भी प्रकार के श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र के, सबका पंजीयन हो रहा है, जिनके लिए सरकार सुविधाएं प्रदान करेगी। अभी दो सुविधाओं के साथ शुरू हुआ है, जिसमें 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना सहायता योजना है। इसके साथ ही आपातकालीन स्थितियों में, जैसे अगर कोविड की स्थितियाँ आती हैं जिसमें लोगों को काम नहीं मिल पाता है, तो सरकार इनको सहायता करने के लिए इस पूरे डाटा का प्रयोग कर सकती है। अभी 500 रुपए महीने के हिसाब से इन लोगों को 4 महीने तक का 500 रुपए दिया जाना है। ऐसे में अभी तक कितने लोगों का पंजीयन किया जा चुका है, कितने लोग लाभ ले चुके हैं इसका? लाभ तो जो जाना है वो 31 दिसंबर के बाद जाना है। 31 दिसंबर तक हमको अधिकतम पंजीयन करना है। अभी लगभग 5 लाख पंजीयन हो चुके हैं। आपका सुनना अनुराग त्रिपाठी।